नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शिवम भगत के साथ। किसी भी धर्म को या बात करें, किसी भी समाज को या किसी भी जाति के ऊपर कोई भी टिप्पणी करना कहीं नहीं, कई कानूनन जुर्म भी है। इसी के चलते इस समय हम प्रेस क्लब में, जहां हम आपको बताएंगे ओबीसी एसटी एससी समाज की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए बताते प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है और बताते हैं ये प्रदर्शन क्यों हो गया। आप देख रहे हैं यहाँ पर तस्वीर, हमें साहब जम्मू के प्रेस क्लब की तस्वीरें हैं। डीडीसी महान सिंह के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन का कारण क्या, वो भी बताते हैं। प्रदर्शन का कारण ये है, कुछ दिन पहले महान सिंह जी की एक ऑडियो वायरल होती जिसमें और वो एक समुदाय के लिए कुछ ऐसे अपशब्द कहते जो हम अपने व्यूवर्स को नहीं बताते, जिनके चलते एससी एससी ओबीसी मोर्चा में गुस्सा देखने को मिल रहा है। और उन्हीं को लेकर उनका ये कहना था कि उन्होंने कोई भी अपोलॉजी जो वीडियो है नहीं दिया गया, या उन्होंने ये नहीं कहा गया कि गलती होगी या मुझसे ऐसे अपशब्द कहे गए जिससे चलते एक जाति धर्म के समुदाय के लोगों को ठेस पहुंची, उनके इमोशंस को ठेस पहुंची, के चलते आज एससी एसटी ओबीसी समाज की तरफ से यहाँ पर उनका पुतला जलाया जा रहा है। डीडीसी कठुआ महान सिंह को लेकर बताना चाहेंगे, डीडीसी कठुआ भाजपा के डीडीसी महान सिंह है, जो कठुआ के डीडीसी है, उनके द्वारा यहाँ पर भाजपा की बात करें तो एसटी एससी मोर्चा भी बनाया गया, पर उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के नेताओं द्वारा अगर इस तरह की बातें कही जाए तो क्या दर्शाता है कि करनी और कथनी में कितना अंतर है। उनकी एक ऑडियो लगातार वायरल हो रही, वो ऑडियो हम नहीं बताना चाहते क्योंकि कहीं ना कहीं हम मीडिया जो है भड़काने का काम नहीं करता, मीडिया सत्य दिखाता पर बड़े ही तरीके से, ताकि जनता में उन चीजों को लेकर फसाद ना खड़ा हो। उसी के चलते यह धरना प्रदर्शन किया गया ओबीसी एससी एसटी समाज के द्वारा के डीडीसी महान सिंह माफी मांगो, माफी मांगो। आखिर क्यों ये नेता बोलने से पहले सोचते नहीं है? सबसे पहले आज जितने भी मेरे मीडिया के भाई बंधु आए हैं, मैं उन सबका तय दिल से धन्यवाद करता हूँ। यह धरना प्रदर्शन हम डीडीसी महान सिंह के खिलाफ कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से एक वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है मीडिया के थ्रू, उसमें हर लोग जो है वो इसी चीज़ को कवर अप कर रहे हैं कि डीडीसी महान सिंह ने आम लोगों को अपशब्द कहे हैं। लेकिन अगर उस ऑडियो को आप ध्यान से सुने तो डीडीसी महान सिंह ने अपनी जो छोटी मानसिकता है उसको भी दर्शाया है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को टारगेट करके। आज हम डीडीसी महान सिंह के खिलाफ ये प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि डीडीसी महान सिंह की अपनी मानसिकता जो उनको ठीक करनी चाहिए, वो एक पर्टिकुलर कास्ट के लोगों को टारगेट कर रहे हैं। इसी कास्ट के लोगों से वोट देके आप डीडीसी बने जनाब, ऐसा ना हो कि आपका डीडीसी जो है ये इतना रोष प्रदर्शन बढ़ जाए कि आपको घरों में, आपके घरों के बाहर आके लोग प्रदर्शन करना शुरू करते हैं। डीडीसी महान सिंह ने जो भी बात कही है, हम सबकी यही अपील है कि वो अपनी इस बात के लिए माफी मांगे और शरेआम आके पब्लिकली आके वो अपोलोजाइज करें। और हमने उनके खिलाफ एफआईआर भी लॉन्च करने के लिए एप्लीकेशन एसपी साउथ के ऑफिस में दे दी हुई है। बहुत जल्दी एससी एसटी एसटी किसी एक्ट 1989 के तहत उनके खिलाफ जो है वो एफआईआर भी दर्ज कर दी जाएगी। तो मैं आज मीडिया के मुद्दों के माध्यम से डीडीसी महान सिंह तक और भाजपा के हमारे जो स्टेट प्रधान है रविंदर राणा साहब, उन तक ये मैसेज पहुंचाना चाहूंगा कि जिस तरह आप एक्शन विक्रम रंधावा साहब के खिलाफ आपने लिया था जब उन्होंने एक पर्टिकुलर वर्ग के खिलाफ एक्शन लिया था, जिस तरह वकार भट्टी पे आपने एफआईआर दर्ज करवा दी है, इसी तरह डीडीसी महान सिंह के खिलाफ एफआईआर हो। और भाजपा के लोगों से हम ये अपील करना चाहेंगे, एक बार अपील करेंगे, अगली बार हम अपील भी नहीं करेंगे कि आप लोग जो है डीडीसी महान सिंह के खिलाफ एक्शन ले, उनको पार्टी से बर्खास्त किया जाए। भाजपा के अपने भी एसटी मोर्चा, एससी मोर्चा, उन्होंने क्यों नहीं इसके बारे में? मैम, हम उन लोगों को भी कंडम करते हैं, हम ये कहते हैं आप अपनी पार्टी से ऊपर उठें। जब कभी आपके लोगों पे बात आती है तो आपको अपनी पार्टी की विचारधारा साइड पे रखनी है। आप एससी एसटी मोर्चा हर पार्टी ने बनाया हुआ है, मैं सिर्फ भाजपा को नहीं कहूंगा, कांग्रेस एनसी हर किसी के वर्ग में है। कहाँ है वो लोग आज? आप सिर्फ अपनी राजनीतिक शेम। आप जब हमारी डीडीसी महान सिंह के साथ बात हुई, उन्होंने कहा कि मैडम दो लोगों में बात थी, पर माना उन्होंने कि बात हुई थी, उन्होंने ऐसा शब्द। मैम, इसका कहने का क्या मतलब है? आप अपनी प्रिजुडिस शो कर रहे हैं, आप सिर्फ सार्वजनिक होकर लोगों के सामने अपनी अच्छाई दिखाते हैं कि हम अच्छे लोग हैं, हम समाज में एकता की बात करते हैं, लेकिन जब बात आती है आपके अकेलेपन में, आप अकेलेपन में एक कास्ट के लोगों को गालियां दोगे, उनके खिलाफ अब शब्द इस्तेमाल करोगे, उन्हें डंगर कहोगे, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। साफ तौर पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है आपको कि ओबीसी एसटी और एससी
समाज की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। डीडीसी भाजपा के जो डीडीसी है महान सिंह, उनके द्वारा ऐसे कुछ अपशब्द कहे जो कि एक समुदाय, एक जात के लोगों को, एक जाति के लोगों के उनके इमोशन को ठेस पहुंचे, कतई बर्दाश्त नहीं किया जाए। उसी के चलते आज डीडीसी महान सिंह का पुतला फूंका गया। अब बताना ये कि भाजपा के एससी मोर्चा तो बनाए हैं, पर उन्हीं के नेताओं द्वारा अगर इस तरह से जात पात को लेकर अगर टिप्पणी करनी, इस तरह की बयानबाजी करनी तो क्या कहेंगे? उनकी करनी और कथनी में कितना अंतर है सर? क्या कहेंगे जो डीडीसी भाजपा के महान सिंह हैं उनके द्वारा ऐसे अपशब्द, क्योंकि हम तो नहीं बता सकते, अपने मुख पर आप जरूर बता सकते। देखिए जिस तरह से उन्होंने वो शब्द इस्तेमाल किया है, बड़े इंसल्टिंग तरीके से उन्होंने वो शब्द इस्तेमाल किया है, और वो जो शब्द था मेघो, अब तुम्हारा यही टाइम है कि तुम मेघों के पीछे जाओगे, बड़े इंसल्टिंग तरीके से उन्होंने बात की है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ, मैं एक वकील हूँ, और इसके बीच में अगर कोई कास्ट के नाम पर अगर आप लोग कोई मार्जिनलाइज सेक्शन की कास्ट को अगर आप टारगेट करोगे, नाम भी लोगे, ये एक क्राइम होता है इन दी बुक ऑफ लॉ, ये क्राइम है। भाजपा के तो अपने भी एसटीएससी मोर्चा है। नहीं वो मोर्चे वो ऐसे वो देखिए वो कठपुतलियां हैं उनका, कोई उनका अगर इतना होता तो आज दलित जो कम्युनिटीज हैं, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज आज इस हाशिए पे नहीं रहती। अगर वो ऐसे ही होती है, वो कठपुतलियां हैं, उनसे कोई उनका उनके अंदर रीड नहीं है। जब हमने डीडीसी मान सिंह से बात की, उन्होंने कहा दो लोगों की बात ही इसको मुद्दा बनाया जा रहा है। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो शब्द इस्तेमाल किया, ये जो कम्युनिटी है, ये कम्युनिटी तो पूरे जम्मू कश्मीर में फैली हुई है। उन्होंने मेघों का नाम दिया, उसमें मैं भी शामिल हूँ, उसमें ये शामिल है, उसमें ये शामिल है, सारी कम्युनिटी शामिल है उसके बीच में। और यहाँ पर हम लोग अंबेडकरी, कबीर, नानक, रविदास, ये सारी विचारधारा से हम लोग आने वाले लोग हैं, और उन्होंने हमारी इंसल्ट की है। और मैं शब्द कहना चाहता हूँ, उन्होंने मेघों के नाम लिया। हमारे पुराने समय में मेघ ऋषि होते थे जिनको हम लोग पूजते हैं, और मेघ ऋषि से हमारी धार्मिक भावना, उन्होंने मेघों का नाम लिया, हमारी धार्मिक भावना ठेस पहुंची है। और मैं चाहता हूं कि उनके ऊपर 295A धार्मिक भावना हमारी आहत करने के लिए 295A लगाई जाए, और SC ST अट्रॉसिटी एक्ट लगाया है ऐसे लोगों पे, ऐसे कास्टी लोगों को जेल के अंदर होना चाहिए, समाज के बीच में इनको खुला नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए हमारे सबकॉन्शियस माइंड के बीच में कास्ट होती है, हमारे बीच में कास्ट होती है, जब भी हम बात करते हैं उनके लिए बड़ी नॉर्मलाइज होती है चीज की, यार ये क्या बोल दिया, ये तो कुछ भी नहीं है। हमारे हमसे पूछो, हम कास्ट के नाम पे रोज जहर पीते हैं, हम लोग रोज, हम लोगों को जलील होना पड़ता है कास्ट के नाम पर। और ऐसे लोग, जानवर जैसे लोग जो है, जो कास्ट का नाम लेते हैं, इंसल्ट करते हैं हमारी मार्जिनलाइज कम्युनिटीज के, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे ऐसे लोगों पर। किस तरह की कार्रवाई, क्या कहे प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राणा जी से? जी मैं तो यही उम्मीद करता चाहता हूँ, ये तो मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जो भी ये भी जितनी भी इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हुआ, ऐसे लोगों पे, ऐसे जानवरों के ऊपर जो कास्ट के नाम पे इंसल्ट करते हैं, किसी के डिग्निटी के ऊपर प्रहार करते हैं, हम ऐसे लोगों को जेल के अंदर होना चाहिए। अभी हाल ही में वकार पट्टी के ऊपर FIR लगी, क्योंकि धर्म की आस्था को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाई, इस समय वो सलाखों के पीछे है। बिल्कुल बात करें विक्रम रंधावा के ऊपर भी एक्शन हुआ, तो आप देखना यह है कि अपने ही DDC पर क्या एक्शन लेगी भाजपा। देखिए मैं ये कहता हूँ, इनकी भावनाएं हैं, हमारी भावनाएं कुछ नहीं है। तो जैसे यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में डॉक्टर रतनलाल के साथ जो हुआ, उन्होंने अपनी एक बात रखी थी और वो प्रूव नहीं हुआ था वहाँ पे क्या है, मतलब वो जो भी शिवलिंग जो भी बराबर भी, लेकिन यहाँ पर वहाँ पर उन्होंने लगातार ये हमारी भावनाओं को ठेस पहुँचाते रहते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। रतनलाल को जेल कर दिया गया, उनके ऊपर अभी केस शुरू होगा, 295 और 153A धारा लगी हुई है। लेकिन ऐसे लोगों के जो खुले जानवर जो छोड़े हुए हैं, जो कास्टिस जानवर, जो मैं जानवर कहूँगा, इनको इंसान नहीं कहूँगा मैं लोगों को, और इन्होंने ये खुले लोग जो छोड़े हुए हैं, इनके ऊपर कुछ भी नहीं हो रहा। लगातार वी आर गोइंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट रजिस्टर FIR, और अभी तक हमारी FIR तक रजिस्टर नहीं हो रही है। जी हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार यहाँ पर SP ऑफिस गांधीनगर में हम लोग दे रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ है वहाँ पे। और ये लगातार इस केस की बात नहीं हो रही है, पीछे भी यहाँ पर बकलोल TV वाला सो कॉल्ड जो जर्नलिस्ट अपने आप को कहता है, उन्होंने भी ऐसे ही काम किया था, वहाँ पर भी सेम टू सेम ऐसी ही चीजें हो रही है लगातार। अब किश्तवाड़ वाला केस देख लीजिए, पहली महिला सरपंच थी, उसके ऊपर कास्टी स्लर्स दिए गए और कोई कार्रवाई नहीं हुई वहाँ पर। और यही है, यही तो चीज़, यही तो लड़ाई है। हम जब कुछ कहते हैं, हम तो हमारी पीठों को आप देखेंगे, हमारी जख्मी है, हमारी पीठें जख्मी है। जिसको एडमिनिस्ट्रेशन चाहेगी उस पर कार्रवाई होती है, पर जिसको ये सरकार है या प्रशासन या पार्टी चाहती उन पर कार्रवाई। बिल्कुल जिस जब से 370 टूटी है, लगातार एट्रोसिटीज जो है वो बढ़ गई है हमारे जम्मू कश्मीर की वर्किंग सेक्शन पे, मार्जिनलाइज लोगों के ऊपर लगातार एट्रोसिटीज बढ़ रही है। अभी भी देख लो, पिछले 2-3 दिनों में 3-4 केसेस आए हैं। अरनिया से आप देख लीजिए, वहाँ पर भी एक केस रजिस्टर हुआ है। उसके अलावा आप देख लीजिए, कठुआ में केस रजिस्टर हुआ है, यहाँ पर ये जम्मू में, किश्तवाड़ में, ये बहुत सारे। यहाँ के SSP सर से, यहाँ के IG DGP सर से क्या कहेंगे आप? मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, बीइंग अगर आप हम लोगों को मेन स्ट्रीम एक समाज का हिस्सा मानते हैं, अगर आप हमारी सेंटीमेंट्स को समझते हैं, और
यही मैं उम्मीद करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के ऊपर 295A धार्मिक भावनाएं भड़काने के लिए इनको बरामद किया जाए और SC/ST अट्रोसिटी एक्ट के बीच में 1989 के बीच में इन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए और जल्दी से जल्दी रैपिड एक्शन इसके ऊपर होना चाहिए। बड़ी विडंबना की बात है, जहां पर हम एक तरफ से सारे हमारे एक समान है हमारे लिए, और वही दूसरी तरफ अगर विपक्षी दल या कोई और आम जनता में से कोई इस तरह की गलती करता तो उस पर फौरन तौर पर कार्रवाई होती है, उसे सलाखों के अंदर भी किया जाता है। पर सवाल ये भाजपा के खुद के नेता, कभी उनकी स्लिप ऑफ टंग हो जाती है, कभी इस तरह के अपशब्द कहे जाते हैं, पर सवाल ये आज तक कितने भाजपा के नेता हैं जिन पर कार्रवाई हुई है, सवाल बड़ा ये है, क्योंकि सरकार आपकी है जनाब, गवर्नर साहब आपकी है, आपको जो मन चाहे आप कहिए, जो मन चाहिए करिए। तो अगर दूसरे एक आम इंसान पर विपक्षी दलों पर वही कार्रवाई होती तो भाजपा के खुद के नेताओं पर क्यों नहीं, जो आम जनता के सेंटीमेंट्स को, उनके धर्म के सेंटीमेंट्स को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाते, जिस तरह से मान सिंह DDC कठुआ द्वारा ऐसे रिकॉर्डिंग जो सामने आई, ऑडियो रिकॉर्डिंग आई, जब उनसे बात की उन्होंने कहा दो लोगों के बीच में बात हुई, अगर दो लोगों के बीच में बात थी तो वो ऑडियो वायरल कैसे हुई, और वही कहीं ना कहीं यहाँ पर जो इस समय ST/SC/OBC समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया, उन्होंने कहा कि हमारी पुलिस भी FIR रजिस्टर नहीं कर रही, अगर वकार भट्टी के खिलाफ FIR रजिस्टर हो सकती है, अगर विक्रम रंधावा के खिलाफ कंप्लेन हो सकती है, उनके ऊपर एक्शन हो सकता है, तो क्यों नहीं DDC मान सिंह पर एक्शन हो रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने एक जाति एक धर्म के समुदाय के लोगों के सेंटीमेंट्स को हर्ट किया है, तो कार्रवाई तो बराबर की बनती है, या तो वो अपोलोजाइज करे या फिर उन पर एक्शन होना चाहिए। और साथ ही साथ रविंदर रैना जी, आप लोगों ने ST/SC मोर्चा तो बनाया है, पर देखना यह है कि आप मान सिंह द्वारा जो अपशब्द प्रयोग किए गए उन पर क्या कार्रवाई करते हैं, क्या एक्शन लेते हैं, अपने कमेंट जो कमेंट बॉक्स में दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।